ऑलमोस्ट अबाउट टू चेक इन है लुफ्तांजा में। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि हमें आने के बाद यहाँ पर जो मेक्सिको में मेक्सिको के लिए इमिग्रेशन फॉर्म फिलअप करना था, तो इन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट का नाम बताया, वो मैं मेंशन कर दूंगा उसका। उसमें आपको जाके एक फॉर्म फिलअप करना है और उसके बाद वहाँ भी जाके मेक्सिको में उतर के इस टाइप के लिए रिसीट देते हैं, तो उस वहाँ भी जाके हमें एक फॉर्म फिलअप करना है फॉर मेक्सिको वीज़ा। So guys, here we go. I got my, this is actually a kind of advisory from DGC and Lufthansa. This is my boarding pass from Delhi to Frankfurt and then Frankfurt to Mexico, all right? So उन्होंने मेरे को कह दिया कि दो मास्क पहनने मैंडेटरी हैं, क्योंकि ये जो सर्जिकल मास्क एक्चुअली पहनना मैंडेटरी है, नहीं तो N95 द वन आई एम वेयरिंग इट, इट्स नॉट एक्चुअली प्रोटेक्टिंग मी, और मुझे पता नहीं था एक्चुअली। बट एनीवेज मेरे पास एक, थैंक्स गॉड मेरे पास एक मास्क था, मेरे मॉम ने मुझे अभी अभी दे दिया था निकलने से पहले, यू नो हम सबको जानते हैं। और अब निकल रहे हैं यहाँ से इमिग्रेशन के लिए, भीड़ काफ़ी कम है और ऐसा मोमेंट मैंने देखा नहीं कभी एयरपोर्ट पे पिछले 3-4 सालों में। पूरी ट्रैवल की जिसको कहते हैं डेफिनेशन ही चेंज हो चुकी है। सो गाइस, यहाँ पर होती है हमारी इमिग्रेशन क्लियर, सवाल जवाब छोटे मोटे आपको पता ही है, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, कहाँ से होके जा रहे हो, मेक्सिको में कितने दिन रहोगे, क्वारंटीन वगैरह। अब यहाँ पर सिक्योरिटी चेक आ चुके हैं फाइनल, यहाँ पर सिक्योरिटी चेक करा के फिर हम चलेंगे अंदर। सो कीप वॉचिंग। सो गाइस, फाइनली हम ड्यूटी फ्री पहुँच गए हैं। ड्यूटी फ्री पहुँचने के बाद अब सिक्योरिटी चेक इन सारी हो गई है, जो छोटी मोटी चीज़ें सारी क्लियर हो चुकी हैं, ड्यूटी फ्री हम पहुँचे हुए हैं। अब आपको एक थोड़ा सा मैं ड्यूटी फ्री में घुमाता हूँ, फिर आप बताना। तो अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस लॉकडाउन में लुफ्तांजा और अभी तक का, ये बहुत बढ़िया था। मैं जबकि ये प्रेफर करता हूँ मैं कि आप एयर इंडिया को छोड़ के किसी भी और फ्लाइट में जाओ, आप बहुत बहुत ज़्यादा स्मूथ रहता है। पता नहीं मेरा मे भी बहुत लोगों का अच्छा हो, बट मेरा एयर इंडिया के साथ कभी भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो मैं अपना पर्सनल आपको अपना रिव्यू और फीडबैक देना चाहूँगा कि एयर इंडिया के साथ ट्रैवल मेजर ये पसंद बिल्कुल नहीं है, बट लुफ्तांजा का काफ़ी अच्छा था, ज़्यादा उन्होंने सवाल नहीं किए, इवन मेरा एक बैग उन्होंने फ्री में चेक इन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ी देर ड्यूटी फ्री घूमेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, फिर आगे जाएंगे, फिर और आपसे बातें करेंगे आगे जाके। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।
गाइस, वी आर बैक। अभी क्या है कि रात के 1:15 बज गए हैं, 2 बजे से बोर्डिंग स्टार्ट होगी। अभी तक तो सारा प्रोसेस जो था बहुत कूल था, बहुत नॉर्मल था। यूजुअली इतना नॉर्मल नहीं होता है, बहुत सारे सवाल किए जाते हैं, बट एयरलाइन का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आगे फ्लाइट बोर्ड का टाइम है और फ्लाइट बोर्ड करनी है, तो मुझे लगता है कि अभी तक अगर कोई भी इनडायरेक्ट रूट देखने के लिए जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये रूट बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर एक ही रात का स्टे है मेक्सिको में, और उसके बाद सेम डे आप RT-PCR लेते हैं। RT-PCR लेने के बाद आप आगे जाते हैं, मेक श्योर कि आपकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी के साथ अब आगे जा रहे हैं, देखो क्या होता है, और फिर आगे जाके हम फ्रैंकफर्ट में कुछ घंटों का लेओवर है। लेओवर वहाँ पर कोई टेस्ट नहीं होता है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे। अगर आपको कोई भी कहता है कि RT-PCR होता है तो ये गलत है, RT-PCR फ्रैंकफर्ट में नहीं होता है। आपको अगर आप बहुत लोग मस्कट वाया मस्कट फ्रैंकफर्ट भी गए हैं अभी, तो उनका सारा जो कोविड रिपोर्ट थी वो मस्कट में ही हो गई थी। कई लोगों को ट्रैवल एजेंसी के थ्रू मस्कट वाला रूट भी मिला है, तो उनको वहाँ पर एग्जीक्यूटिव लाउंज में कुछ देर का स्टे लेके वहीं पर RT-PCR रिपोर्ट हुई और उसके बाद वो आगे मूव किया। तो इस तरीके का अभी इस कोविड इस पैंडमिक के टाइम में, और स्पेशली जब कनाडा ने अभी डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑफ की हुई हैं इंडिया से और पाकिस्तान से, तो ये रूट ही अभी सबसे बेस्ट लग रहा है जाने के लिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में मैं हर छोटी से छोटी चीज़ आपको मेंशन करूँगा कि कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे। ये सारी रिक्वायरमेंट्स को देखते देखते ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और कोई ख़ास रिक्वायरमेंट है नहीं, बस आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। मेक्सिको का वीज़ा के लिए हमें आते के सार यहीं पर फाइल कर दिया गया, और उसी इस वक्त मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है अगर कोई भी अप्लाई करता है मेक्सिको जाने के लिए। बेसिकली आपके पास सेंजन वीज़ा, यूएस का वीज़ा या कनाडा का एक रेसिडेंट कोई वीज़ा आपका होना मैंडेटरी है। और मेक्सिको में अभी तक तो मुझे ये पता है कि मेक्सिको में कोई वीज़ा के चार्जेस नहीं है, ऑन अराइवल वीज़ा है। बाकी मैं वहाँ जाके डिटेल्स आपको बताऊँगा, तो इसीलिए मैं ये आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको क्लियर पता चलेगा कि क्लियर पिक्चर क्या है ना। तो बस हम जा रहे हैं, अब बोर्डिंग गेट्स खुलेंगे थोड़ी देर में, जब गेट्स ओपन होंगे फिर हम अभी अंदर बोर्ड करेंगे फ्लाइट, उसके बाद मैं डिटेल्स आपको बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जी बज गए हैं रात के 2 और हम अभी स्टिल वेट कर रहे हैं, बोर्डिंग ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है, और बोर्डिंग का वेट करते हुए वन बाय वन लोग बोर्ड करेंगे। उसके बाद हमारी जो फ्लाइट का टाइम है वो है 2:50 अकॉर्डिंग टू लुफ्तांज़ा स्केड्यूल। लेट्स सी कितना और टाइम लगता है। So guys, we are all set. I got my test form and it says that have a form to represent at Mexico airport. It's a kind of a visa thing. So hum ja rahe hain yahan se flight mein board hone ke liye. Time ho raha hai 2:20 aur यहाँ भी समझ लो कि मैं थोड़ा पहले आ गया था, इस वजह से थोड़ा वेट करना पड़ा, बट एनीवेज हमेशा अर्ली रहना बेटर रहता है कि आप हैजल से बचते हैं लास्ट मिनट।
तो ये एक बेटर चीज़ होती है हमेशा। तो हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि लुफ्तांजा में एक्चुअली मैं सेकंड टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। पहले मैं एक बार ट्रैवल किया था, मैं एक बार आया था इससे। काफ़ी अच्छी इनकी फ्लाइट सर्विसेज होती हैं, बट अभी कोविड के टाइम में हो सकता है मे भी काफ़ी कुछ चेंजेस हों, तो लेट्स सी। वेलकम बॉय, फ्लाइट में बैठ चुके हैं। और फ्लाइट ऑलमोस्ट बोर्ड हो रही है, लेट्स सी। मैं अपना चार्ज हाथ में ले लिया जस्ट इन केस फ्लाइट गड़बड़ी हो जाए, मैं कुछ मूवी देख सकूँ। बाकी वेट कर रहे हैं, नींद भी बोर आ चुकी है, कर रहे हैं क्या, सारा दिन सोया नहीं। बाकी फ्लाइट में पूछो कुछ करना, ना बैठे हैं वेट कर रहे हैं। और टाइम इज 2:35 ऑलमोस्ट एंड वी शुड एट द एयरपोर्ट। फ्रैंकफर्ट मेन एयरपोर्ट। टाइम हो रहा है सुबह के 8:10, ऑलमोस्ट 25 मिनट्स हो चुके हैं हमें लैंड किए हुए। फ्रैंकफर्ट मेन एयरपोर्ट है ये। अभी यहाँ पर एक सिक्योरिटी चेक है, यहाँ पर सिक्योरिटी चेक क्लियर करके फिर हम आगे कनेक्टिंग फ्लाइट का पता करके फिर हम आप तुरंत कनेक्ट करेंगे। ऑलराइट, हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। टाइम हो गया है लोकल 12:30 आफ्टरनून में फ़्लाइट स्केड्यूल्ड है मेक्सिको के लिए। थोड़ी देर घर पे बातचीत हो गई फ्रेंड से, सब कुछ से, थोड़ा बहुत खा पी लिया और थोड़ा ड्यूटी फ्री घूम लिया। अब वेट कर रहे हैं गेट्स पे, थोड़ी गेमिंग शेमिंग भी हो गई और उसके बाद अब जा रहे हैं, बैठेंगे, थोड़ा चिल विल मारेंगे। तो गाइस यही था अभी तक का। यहाँ पर क्या है कि फ्रैंकफर्ट में कोई ख़ास सवाल आपसे नहीं किए जाएंगे, आपको ट्रांजिट एरिया में ही रहना है। फ़्लाइट बोर्डिंग से पहले स्क्रीनिंग होगी COVID-19 की, जैसे कि टेम्परेचर चेक वगैरह ये सब होते हैं, वो होगी। और उसके बाद होने के बाद फिर हम चलेंगे बोर्ड, फ्लाइट बोर्ड के लिए। तब तक बैठे हैं, तब तक थोड़ा मैं टहल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, रात से सोया नहीं हूँ। फ्लाइट में कहाँ नींद आती है यार, बट क्या करें, अब टाइम है, इसको पास तो करना है ना। अब यहाँ से जो फ़्लाइट जाएगी ये 12 घंटे एग्जैक्ट लेगी मेक्सिको के लिए। आई नो इट्स लॉन्ग फ्लाइट अगेन, पहले 8 घंटे 40 मिनट थी दिल्ली से फ्रैंकफर्ट, अब फ्रैंकफर्ट से मेक्सिको 12 आवर्स। बाद देखते हैं क्या करना है, तब तक बैठे हैं चिल मार रहे हैं। अपने वैल्यूबल कमेंट्स, अपने वैल्यूबल फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा, आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपके सवाल हैं। मे बी मैं कई ऐसे अपने फ्रेंड्स के सवाल हों जो मैं नहीं उसको कवर अप कर पा रहा हूँ अपनी वीडियो में, क्योंकि कई ऐसे स्पेसिफिक सवाल होते हैं, हर किसी का अलग अलग वीज़ा टाइप है। कई लोगों का समझ होगा कि भाई वो वर्क परमिट में फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, कई लोगों का होगा कि वो COPR होल्डर हैं, वो फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको कैसे होगा, क्या होगा। तो मैं सबके सवाल का जवाब यही है कि अगर आपके पास
वैलिड डॉक्यूमेंट है, वैलिड आप एग्जेम्प्ट हो ट्रैवल करने के लिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। फैमिली, कई लोगों के पास विजिटर वीज़ा है पर वो अपनी फैमिली को यूनाइट करने जा रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, बाकी ये रूट अभी तक तो सेफ है, अच्छा है रूट, कोई कोई खास ये नहीं है। ले ओवर 6-7 घंटे का नॉर्मल होता है, और उससे कम का मुझे लगता होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बंदा बहुत रश कर देता है, कई बार सिक्योरिटी चेक में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, गेट Z52 है, शायद आपको ये पुट्ठा नज़र आ रहा है, अभी भी पुट्ठा ही है, सॉरी। चलो एनीवेज, तो हम जल्दी कनेक्ट करेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। वैक्सीनेशन का अभी तक तो कहीं पर कुछ पूछा नहीं गया है, अभी तक वैक्सीनेशन की ऐसी कोई बात नहीं है कहीं पर भी, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, बट जस्ट इन केस कुछ होगा तो आई लेट यू नो। स्टे कनेक्टेड।
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। वी रीच्ड मेक्सिको सिटी एंड अभी हम हैं इमिग्रेशन की लाइन में। एक्चुअली मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था तो इस वजह से थोड़ी सी और फिल्म कुछ वीडियोस मैं नहीं बना पाया, बट एनीवेज आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू more and more informations. So now we are here and देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। मैक्सिकन इमिग्रेशन है, इसके बाद हम जाएंगे सीधा होटल। चेक विथ ऑलरेडी डन विथ मैक्सिको इमिग्रेशन। यहाँ पर कोई ख़ास सवाल नहीं किए जाते हैं, बस नॉर्मली आप वेकेशन के लिए आए हैं यहाँ पर, आपको मैं बताया कि भाई एक मिनट यहाँ रुकना है, नेक्स्ट डे मेरी ट्रांजिट फ्लाइट है, दैट्स इट एंड यू आर गुड टू गो। सो अभी हम देखेंगे कि हमारी होटल की शटल कहाँ लगी है एग्ज़िट में, उसके बाद फिर विल सी कि होटल में जाकर बहुत आराम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट मोर देन 24 आवर्स से मैंने एक मिनट की भी स्लीप नहीं ली है। सो गाइस, आज है 3 जून और रात के बज रहे हैं 10:36। हम पहुंच चुके हैं होटल। होटल है TRYP बाय विंडम। यहाँ पर ऐसा था कि जिस ट्रैवल एजेंट से मैंने बुकिंग कराई थी उसी की तरफ से होटल था, और RT-PCR टेस्ट सेम डे अभी आते के सर सबसे पहले होटल के टॉप फ्लोर में हुआ हो रहा है, जिसकी रिपोर्ट कल सुबह तक आ जाएगी। और कल फिर रात को 12:40 पे एयर कनाडा की फ़्लाइट है जो हमें सीधा लेके जाएगी टोरंटो। तो ऑलमोस्ट 30-35 आवर्स जगे रहने के बाद अभी एक बेड मिला है और इन्होंने मुझे गलती से लगता है ट्विन बेडरूम दे दिया है, मैं हूँ अकेला ही। ठीक है, तो खाना भी आ चुका है, खाना चेक करो। नान है, शायद नान ही है, चावल है जो मैं कोई ख़ास खाता नहीं, पनीर है और ये शायद कोई मिक्स वेज सब्जी है। ठीक है, और एक पानी की बोतल दी है उन्होंने। चलो खाना खा लेते हैं। Guys, very very good morning. This is Ranjit again, and you know what? क्या है मेरे पास? COVID negative. Okay. यहाँ पर हमारी test report हो चुकी है, कल रात को हुई थी, जैसे मैंने अपनी last कल रात को मैंने आपको बताया था, रात को 9 COVID report हो गई थी और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:15 और report आ चुकी है और अब हम negative हैं, हम good to go हैं Canada के लिए। अच्छा निगेटिव आई क्यों, थोड़ा सा क्यों ना बाहर थोड़ा सा घूम लूँ, थोड़े बहुत पब्स बाहर से देख रहे हैं, थोड़ी बहुत मेक्सिको की गलियों में देख रहे हैं क्या हिसाब किताब है यहाँ का। हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो अभी हमारा पास कोविड के, जैसे मैंने आपको बताया कि निगेटिव आ गई है टेस्ट रिपोर्ट, और नाउ टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 2:30 रहे हैं और खाना आ चुका है और ये भी इंडियन है खाना, कल रात को भी इंडियन खाना दिया था इन्होंने। कल रात को था पालक पनीर, भिंडी की सब्जी थी और चावल थे और रोटी थी। आज भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, दो नान है, नीचे में चावल है येलो कलर के, तीन नान है और ये शायद पनीर की सब्जी और ये दाल है और एक पानी की बोतल दी है उन्होंने। तो हम आज 2:30 रहे हैं, 4:30 तक हम चेकआउट करेंगे होटल से, मैं चेकआउट करूँगा और फिर हम धीरे धीरे एयरपोर्ट पहुँचेंगे। रात को 12:40 की फ़्लाइट है टोरंटो के लिए। अभी तक का सब स्मूथ रहा, थोड़ा वह अभी 2:30 रहे हैं तो हमारे पास 1.5 घंटे हैं, तो मैं 1.5 घंटे में जरा मैक्सिको जो अगल बगल के थोड़े बहुत एरियाज हैं और थोड़े बहुत फूड ट्राई करेंगे हम, तो पहले इसको ट्राई करते हैं कि ये कैसा है, फिर हम
देखेंगे बाहर जाके, कुछ मैक्सिकन फूड ट्राई करेंगे। सो मैं कैमरे को से सेट कर देता हूँ। इसमें से स्पून को निकालना पड़ेगा। कैसे निकलता है? अच्छा, यहाँ से। तो ये मैंने निकाल लिया, उसको ट्राई करते हैं कैसी है पनीर की सब्जी। क्या बात है, दिल्ली याद आ गया। सीरियसली भैया, यहाँ भी इंडियन खाना मिलता है। सो लेट्स ट्राई विद रोटी। एक्चुअली दिस नॉट रोटी, इट्स नान। ऑसम। सो गाइस, वॉकिंग ऑन मेक्सिको सिटी स्ट्रीट्स। ये थोड़ा दिल्ली टाइप का ही शहर लग रहा है मेरे को, क्योंकि ट्रैफिक भी काफ़ी है और लॉकडाउन का तो भाई साहब कोई नाम ही नहीं है। बस हाँ, लोग मास्क पहने हुए हैं लोगों ने, बट वैसे कोई लॉकडाउन मुझे दिख तो नहीं रहा है। यहाँ पे रेस्टोरेंट सारे खुले हैं। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि यहाँ मैं खाऊं क्या, क्योंकि हर चीज़ जो है वो स्पैनिश में लिखी है और उतना मन है भी नहीं खाने का। तो मैं लोकल अराउंड में देख रहा हूँ कुछ मुझे अगर लोकल कुछ मिले खाने का जो यहाँ का फेमस हो। तो मैं लोगों से पता करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ लोकल क्या मिलेगा, है ना। क्योंकि आप कहीं भी जाओ, किसी भी शहर जाओ, किसी भी कंट्री जाओ, जब तक वहाँ का लोकल नहीं खाओगे तब तक आपको लोकल का टेस्ट क्या पता लगेगा। तो लोकल ही बेटर रहता है हमेशा। जैसे कि यहाँ 7-Eleven, सबवे वगैरह तो दिख रहा है, बट ये तो हर जगह मिल जाता है। तो अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बाकी देखते हैं क्या होता है। और अभी बज रहे हैं 3 ऑलमोस्ट। किसी से भी बात करो यहाँ पर, लोगों को इंग्लिश कम आती है, स्पेनिश ज़्यादा आती है। स्पेनिश थोड़ी बहुत आती है मेरे को, बट मैं ऐसा नहीं कि कम्युनिकेट कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं वैसा है। और ट्रैफिक आप देख रहे हो कितनी है, काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पर। फिलहाल तो मौसम भी बहुत अच्छा हुआ हुआ है और नॉर्मल लोग निकले हुए हैं अपने काम पे। लोग यहाँ साइकिल भी है, बाइक पे भी चलते हैं और थोड़ा सा मेक्सिको सिटी अच्छी लग रही है मेरे को। हमेशा एक नई जगह एक्सप्लोर करने में मेरे को पता ही है कि मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ इन सब चीज़ों में। तो अभी मैं होटल से थोड़ी दूर ही निकला हूँ, ज़्यादा दूर नहीं निकला हूँ, और मैं घूम फिर के यही कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कुछ लोकल मिले यहाँ का खाने का। तो सामने एक मार्केट सी दिख रही है, बट मुझे रोड क्रॉस करनी पड़ेगी, तो वहाँ जाके मैं देखता हूँ कि क्या अवेलेबल है वहाँ पे। तो वहाँ जाके मैं ट्राई ज़रूर करूँगा अभी। तो दोस्तों, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना कि मुझे क्या ऐड करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। तो नेक्स्ट अपने ब्लॉग में मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको और बेटर बनाऊँ, क्योंकि जब तक ऑडियंस नहीं बताएगी कि कैसा लग रहा है तब तक कैसे पता चलेगा कि क्या फीडबैक है, क्या मुझे सुधार करना चाहिए। तो यही बात है। अभी मुझे स्ट्रीट का नाम भी नहीं पता है क्या है, मैं उस तरफ जाना है मेरे को और वहाँ जाके देखूँगा और आपको भी दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो लेट्स गो।